मैं इसका जो व्हील है, पहले मैं व्हील घुमाता हूँ और स्पीड मीटर दिखाता हूँ चल रहा है या नहीं चल रहा। देखो इसका मैं व्हील घुमा दिया हूँ और मीटर की जो सुई है वो देख लो, एक जरा से भी सुई इसकी नहीं उठ रही है, मीटर की प्रॉब्लम है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्नोज बाइक व्लॉग। मेरा नाम है इम्तियाज, होप करता हूँ सारे भाई बढ़िया होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। आज मेरे पास हीरो की मैस्ट्रो एज स्कूटी और इस स्कूटी में प्रॉब्लम है स्पीड मीटर सुई की, जो मीटर सुई है नहीं चल रही है। मैस्ट्रो एज स्कूटी है ये और इसका जो ये वाली सुई है ये मीटर की, ये सुई नहीं चल रही, स्पीड मीटर नहीं चल रहा है। तो इसकी जो चाबी को हम ऑन करेंगे तो मीटर की सुई चलती है, देखो जैसे चाबी को ऑन करेंगे मीटर की सुई ऊपर जाके नीचे आ जाती है, लेकिन जब हम बाइक को रन करते हैं चलाते हैं उस समय ये सुई ऊपर नहीं चढ़ती है, मीटर नहीं चलता है। तो जब हम बाइक को चलाते हैं जब ही ये सुई ऊपर जाती है। अभी क्या हो रहा है कि हम बाइक की जो सुई है मीटर वाली ये चल ही नहीं रही है। मैं ये चीज़ चेक करा देता हूँ इसका जो व्हील है, व्हील घुमा के, क्योंकि आगे के व्हील से इसका मीटर चलता है, मतलब जब हमारा आगे का व्हील घूमेगा तो मीटर की सुई चलेगी। तो मैं इसका व्हील आगे का घुमाता हूँ, फ्रंट व्हील मैंने घुमाया और मीटर की सुई दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, देखो नहीं उठ रही है। तो ये सुई को सही करेंगे, क्यों नहीं चल रहा है इसका मीटर, प्रॉब्लम क्या है वो सारा कुछ चेक करेंगे। और आप लोग वीडियो में बने रहना, वीडियो को एंड तक देखना तभी आप लोगों को फुल जानकारी मिल पाएगी। तो चलो कैसे चेक करना है वो आप लोगों को बता दें। सबसे पहला स्टेप चेक करना है हमको मीटर का गियर, उसके बाद चेक करेंगे मीटर की वायर। तो यहाँ पे एक स्क्रू ड्राइवर लगेगा और स्क्रू ड्राइवर की मदद से इस केबल को बाहर निकाल लेंगे। ये निकल गई, पहले इसका गियर चेक करते हैं। गियर कैसे चेक करना है, व्हील घुमा के मेन स्टैंड पे बाइक लगा लेना और उसके बाद व्हील घुमा के ये चेक कर लेना है अंदर का जो गियर है चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो अभी तो चल रहा है, एक बार मैं वापस से घुमा के दिखाता हूँ आप लोगों को। देखो अंदर जो गियर लगे होते हैं व्हील में वो चल रहे हैं, इसका मतलब ये कि इसका जो गियर है व्हील वाला वो बिल्कुल सही है, जिसको हम बोलते हैं गियर मीटर गरारी। तो गरारी बिल्कुल सही है। इसकी जो वायर है, ये केबल के अंदर वायर पड़ी होती है, इसे निकाल के चेक कर लेते, ये तो नहीं टूट गई, तो यही टूटी है। तो अभी प्रॉब्लम हमको मिल गई कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं चल रही है मीटर, क्यों नहीं चल रहा है। प्रॉब्लम यही है कि इसकी जो मीटर की इनर होती है वायर के केबल की इनर वो ख़राब है। अभी उसके लिए हमको इसका वाइजर और आगे का फेयरिंग खोलना पड़ेगा, तो ये पूरी चेंज होगी क्योंकि इसकी जो वायर है वायर नहीं आती है पूरी, यहाँ से यहाँ तक लगी होती है, लंबी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इसे को खोलना कैसे वो आप लोगों को बताएंगे। अभी आप लोगों को खोलना क्या क्या चलो ये बता देते हैं। देखो एक स्क्रू हमारा, ये सब नहीं खोलना है, सिर्फ सिर्फ खोलना है ये इसे नंबर प्लेट वाले पार्ट्स को खोलना है। तो एक स्क्रू यहाँ पे है, दूसरा स्क्रू यहाँ पे है, ये ध्यान में रखना खोलना कैसे है। और दो स्क्रू नीचे मिल जाएंगे यहाँ पे, देख लो एक मिनट, ये एक स्क्रू यहाँ पे लगा होता है, एक स्क्रू लगा होता है इसके जस्ट यहाँ पे। तो टोटल चार स्क्रू खोलेंगे तो ये वाला पार्ट्स हमारा बाहर निकल जाएगा। तो चलो चार स्क्रू खोल के ये वाला पार्ट्स को बाहर निकाल लेते हैं और फिर क्या खोलना है वो बताते हैं। तो हमने आगे का सिर्फ पार्ट्स ये वाला छोटा वाला निकाल लिया है, अब हमको खोलना पड़ेगा इसकी हेडलाइट। हेडलाइट खोलना ही पड़ेगा क्योंकि केबल जो अंदर से लगी होती है। तो ये मिरर खोलते हैं पहले, अब मिरर को खोलना कैसे, इसमें जो पाना लगने वाला है 12 नंबर की फिक्स रिंच लगने वाली है, तो इसे रिंच से खोल लो, नहीं खुलेगा तो हाथ से अपनी तरफ खींचोगे तो ये खुल जाएगा। ये देखो मैंने अपनी तरफ खोला, ये खुल गया। दूसरा वाला जो मिरर है उसको भी अपनी तरफ खींच के खोलना है, अपनी तरफ खींचना इसको भी, यहाँ पे रिंच भी नहीं लगेगी, अपनी तरफ खींचोगे तो ये भी खुल जाएगा। ये देखो मैंने अपनी तरफ खींचा तो ये वाला भी मिरर खुल गया, को मिरर खोल लेना। उसके बाद एक स्क्रू यहाँ पे, एक स्क्रू यहाँ पे, एक स्क्रू यहाँ पे है और एक स्क्रू हमारा यहाँ पे, ये अब इसके बाद चार स्क्रू हो गए। तो एक इसके जस्ट नीचे इस जगह पे ये लगा हुआ है और एक यहाँ पे ये लगा हुआ है। अब एक स्क्रू और है वो भी देख लो, इसके बिना तो खुलेगी नहीं लाइट, यहाँ पे है देख लो, ये वाला मत खोल देना, ये वाला नहीं खुलेगा, ये वाला खुलेगा 8 नंबर का जो लगा हुआ है, इससे हमारी लाइट आगे मतलब नीचे और ऊपर होती है। तो अभी हमारा वाइजर भी खुल गया, मतलब कि इसकी हेडलाइट जो है, हेडलाइट भी हमने खोल के अलग कर लिया। यहाँ से होल्डर और जो वायर है इसे बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ पे भी एक वायर है तो इसे पूरा बाहर निकाल कर रख देते हैं हेडलाइट को। यहाँ पे हम केबल को देखते हैं क्योंकि इसकी जो केबल है पूरी नहीं चेंज होने वाली। ये देखो इतनी अंदर केबल लगी होती मीटर में, तो ये सारा कुछ खोलना पड़ता है।
नहीं खोलोगे तो मीटर केबल चेंज ही नहीं कर पाओगे। तो ये सब खोल लेते हैं, यहाँ पे हाथ से खुल जाता है, हाथ से ना खुले तो प्लास यूज कर लेना, प्लास से भी ये खुल जाएगा। स्क्रीनर चेक कर लेते हैं, ये तो टूटी हुई है, इनर सिर्फ नहीं मिलती है, हमारे इधर तो नहीं मिलती, आपके इधर मिले तो इनर सिर्फ डाल के मीटर चालू कर सकते हो। तो मैं तो इसको इसमें जो पूरी केबल चेंज करूँगा, किस बाइक की केबल लगा रहा हूँ वो मैं आगे वीडियो में कहीं पर बता दूंगा। किस स्कूटर की, बाइक की तो नहीं लगेगी, स्कूटर की ही केबल लगेगी, पूरी केबल निकल चुकी, नई केबल ये रखी हुई है। तो ये केबल को हम लगाना कैसे वो आप लोगों को बता, देखो निकालना कैसे वो तो मैंने आप लोगों को बताया है, भी लगाना भी कैसे वो भी सीख लो। तो इसे मैं खोल लेता हूँ, और जहाँ से हमारी वो वाली पुरानी वाली केबल निकली है वहीं वहीं से हमको इस केबल को नीचे की तरफ डालना है। तो चलो ये वाली हमारा नीचे की तरफ जाएगी, इसमें भी उल्टा सीधा होता है, जिधर बोल्ट है वो ऊपर साइड में लगेगा, नीचे तो हमको सिर्फ दबाना है, बटन जैसा दबा देना है। यहाँ से थी अंदर, यहाँ से निकली थी, जहाँ से केबल निकल रही वहीं से डालना, वरना ये छोटी बड़ी हो जाएगी फिर प्रॉब्लम होगी। यहाँ से निकालना है और यहाँ पे हमको इसे टाइट करना है। तो पहले क्या करना है कि यहाँ पे केबल देख लेते हैं, ये वायर निकल गई, इसको थोड़ा सा अंदर कर लेते हैं, या तो इसे पहले लगा देंगे तो भी सही है, लेकिन नहीं, चलो इसे हम छोड़ देते हैं। और केबल जब भी नई लगाना, इसमें इंजन ऑयल ज़रूर डाल लेना। इंजन ऑयल डालने से ये फ़ायदा हो जाएगा कि केबल की जो अंदर इनर पड़ी हुई है, इनर, वो उसमें जंग नहीं लगेगा, ऑयल रहेगा तो जंग नहीं खाएगी, और जंग नहीं खाएगी तो जल्दी इनर टूटेगी नहीं। अभी यहाँ पर पहले लगा लेते हैं, चलो बाद में ऊपर लगाएंगे, पहले नीचे लगाएंगे, क्योंकि वायर जो है वो निकल रही है बार बार। ये रबर भी है, यहाँ से अंदर लेना है, और उसके बाद पहले इनर को पकड़ के गियर में सेट करना है, गियर में बिठाना है, ये बैठ गई। अब केबल को पकड़ के अंदर की तरफ लेके जाना, ये अपने आप लॉक हो जाएगी, प्रेस करना है अंदर की तरफ, जैसे कि ये मैंने प्रेस किया, ये लॉक हो चुकी है यहाँ पे, ये देखो होल दिख रहा है, इसमें लॉक हो गई है। अब हम ऊपर की लगाएंगे, आराम से बिल्कुल लग जाएगी। ये मीटर में पहले वायर, ये पहले वायर, और उसके बाद केबल को ऊपर ले जाना धीरे धीरे, और उसके बाद ये बोल्ट को टाइट कर देना है मीटर में। इसको सीधा चढ़ाना, देख लेना सीधा चढ़ाना, टेढ़ा मत चढ़ा देना, वरना प्रॉब्लम बाद में हो जाती है। सीधा चढ़ाना, बिल्कुल हाथ से पहले चढ़ाना, जितना चढ़ रहा है उतना चढ़ा लेना है, और अगर चाहो तो प्लास का यूज कर सकते हो। बाकी मैं ये खुलता नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बाकी वायर केबल जो है पूरी यहाँ से भी अंदर कर लेते हैं, यहाँ से अंदर नहीं है, यहाँ पे ये भी हो गई, केबल हमारी पूरी चेंज हो चुकी है, और अब इसको करना है फिटिंग। तो चलो फटाफट से फिटिंग कर लेते हैं पहले सारा कुछ, और फिर मीटर जो आप लोगों को चला के बाइक दिखाते हैं, स्कूटर चला के दिखाते हैं। अभी मैंने कंप्लीट कर लिया, देखो सारा कुछ फिटिंग कर लिया, हेडलाइट, मिरर, और जो आगे का हमने खोला था सारा कुछ फिटिंग करे, सारे स्क्रू लग गए। अब इसका मीटर चेक करेंगे, और चेक कैसे करेंगे, चला के चेक करेंगे, बाइक को रन करेंगे, रोड पे चलाएंगे, और उसके बाद मीटर इसका आप लोगों को दिखाएंगे चला या नहीं चला, क्योंकि ये अभी मैं चला के देख रहा हूँ तो नहीं चल रहा है। और जो केबल हमने डाला है एक्टिवा न्यू मॉडल, याद रखना मास्टरो एज में एक्टिवा न्यू मॉडल की मीटर केबल लग जाती है, तो आप लोग ला के लगा सकते हो। मास्टरो के मिले तो मास्टरो की लगाओ, नहीं मिल रही तो एक्टिवा न्यू मॉडल की लगा लो। अभी देखो मैं रोड पे बाइक स्कूटर को चला रहा हूँ, और इसका जो मीटर है, मीटर की सुई पे ध्यान दो आप लोग, मीटर की सुई चल रही है, मतलब मैं अभी 30-35 की स्पीड पे चला रहा हूँ, तो इसकी मीटर की सुई बिल्कुल ऊपर जा रही, तो मैं इसे थोड़ा सा नीचे करता हूँ, रोकता हूँ यहाँ पे। तो जो मीटर की प्रॉब्लम थी, मीटर नहीं चल रहा था, तभी हमने मीटर का काम कर दिया, मीटर चलने लगा। मीटर में क्या काम किया, जो इसमें थी प्रॉब्लम थी वो थी मीटर केबल से, क्योंकि इसकी जो केबल है, केबल टूट गई थी, आप लोगों ने भी देखा केबल टूट गई थी। तो केबल हमने पूरी चेंज कैसे करना है पूरी जानकारी आप लोगों को मैंने दी। तो चलो मीटर की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। ये वीडियो कैसी रही आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना, और अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक तो नहीं करते हो, लाइक कर दो, लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, और मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आप लोगों के पास वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए।